बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर करूंगी, बल्कि एक फ़ूड रिव्यू शेयर करूंगी। हम जा रहे थे फरीदुल्ला फ़िश पॉइंट, जो कि है एबटाबाद से करीब है, और काफ़ी हमने इसकी तारीफ़ सुनी हुई थी, तो हमने सोचा जाके देखना चाहिए और मैं आपके साथ भी ये पूरी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस्लामाबाद की तरफ से जा रहे हैं तो आप जाएंगे कश्मीर हाईवे पे। कश्मीर हाईवे से आप चढ़ जाएंगे M1 मोटरवे पे। M1 मोटरवे इस्लामाबाद को पिशावर से कनेक्ट करती है। इसी के ऊपर आएगा आगे जाके हज़ारा एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज। आप वहाँ से हज़ारा एक्सप्रेसवे पे आ जाएंगे। एबटाबाद मानसेरा जाने के लिए हम हज़ारा एक्सप्रेसवे से जाते हैं, और इसी एक्सप्रेसवे पे आप ड्राइव करते हुए देखें 40 मिनट ड्राइव करेंगे, और इसके बाद हवेलियाँ एबटाबाद का इंटरचेंज आ जाएगा। इस इंटरचेंज से उतरेंगे और इसी मेन रोड पर आगे जाके आएगा फरीदुल्ला फ़िश पॉइंट। तो ये है M1 मोटरवे जो इस्लामाबाद से पिशावर की तरफ जाती है। यहाँ से हम लेफ़्ट साइड पर टर्न करेंगे हज़ारा एक्सप्रेसवे पे, और ये हज़ारा एक्सप्रेसवे पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन मोटरवेज़ में से एक है। इसके दोनों तरफ पहाड़ी सिलसिले हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। मुझे पर्सनली इसकी ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, और अगर हमने नारान इवन होंजा गिलगित तक भी आपने जाना तो आप एक्सप्रेसवे के थ्रू ही जाते हैं। इसके बाद तकरीबन 40 मिनट ड्राइव के बाद लेफ़्ट साइड पे आएगा हवेलियाँ एबटाबाद वाला इंटरचेंज, और आपने इससे उतर जाना है। इससे पहले एक और इंटरचेंज आया था, वो खाली हवेलियाँ का था, आपने उससे नहीं उतरना। जो हवेलियाँ और एबटाबाद वाला इंटरचेंज है आपने उससे उतरना है, और ये आप इस तरह से लिंक रोड से उतर जाएंगे। ये लिंक रोड भी उतना ही खूबसूरत है जितनी की मोटरवे थी, और बस सामने टूल प्लाजा आ गया। तकरीबन 3 से 4 मिनट की ड्राइव के बाद हम इस फाइनल रोड पे आ गए हैं। यहाँ से राइट पे अगर हम टर्न करें तो हवेलियाँ की तरफ रास्ता जाता है, और लेफ़्ट पे जाएं तो एबटाबाद की तरफ। तो हमें यहाँ से लेफ़्ट टर्न करना है, और इस जो ये लिंक रोड है इसी पे हमें स्टे करना है। तकरीबन 2 किलोमीटर के बाद लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा फ़िश पॉइंट। मतलब इतना दूर नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा सिटी में एंटर नहीं होना पड़ता, बिल्कुल मेन जगह पर ही है, तो आप बहुत आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। फाइनली इतने वेट के बाद हम पहुंच गए थे फरीदुल्ला फ़िश पॉइंट। बहुत बहुत मशहूर फ़िश पॉइंट है ये, और हमने काफ़ी तारीफ इसकी सुनी हुई थी, तो चलें आपके साथ भी इसका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। सबसे पहले ये आपसे ख़ुद चूज़ करवाते हैं फ़िश। इनके पास बिल्कुल फ्रेश फिशेस होती हैं इनके फ्रीज़र में, वहाँ से आप जाके मछली चूज़ करते हैं। ये हमने ली थी रोहू, और ये इसी तरह से बड़े बड़े पीसेस होते हैं। ये आपके सामने इसकी पूरी सफाई करते हैं, और इनके पास ग्रिल्ड और फ्राइड फ़िश दोनों होती हैं, दोनों अवेलेबल हैं आपको जो भी बनवानी हो। और ये तकरीबन 1 किलो के हिसाब में मतलब देते हैं, मतलब 1 किलो फ्राइड आप लें, 1 किलो आप ग्रिल लें, इससे कम शायद नहीं बनाते, इससे ज़्यादा बनाते। और मतलब आपके सामने ही इसको मसाला लगाएंगे, मैरिनेट करेंगे, और ये देखें ये ग्रिल के लिए इसके पीसेस कर रहे थे। साथ ही इसको पानी में डालते जा रहे थे, और ये बाकी जो है इन्होंने फ्राइड फ़िश के लिए इसके पीसेस किए। बिल्कुल ताज़ी मछली थी ये, बहुत ज़्यादा। और इसका रेट मैं आपको बताऊँ, अगर अभी के हिसाब से हम देखें तो 1000 रुपये किलो, मतलब 1000 रुपये किलो आपने मछली लेनी है। अब चाहे आप उसको ग्रिल करवा लें या आप उसको फ्राइड करवा लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। और ये हमारे सामने इसने इसको वॉश किया इन्होंने, और फिर थोड़ी देर ड्राई होने रख दिया। इसके बाद इन्होंने मसाला भी बिल्कुल सामने लगाया, ये ग्रिल फ़िश के लिए मसाला लगा रहे थे अभी। और पहले इन्होंने नमक और आई गेस लीमू या सिरका कुछ डाल के इन्होंने इस तरह से मिक्स किया था इसको, और फिर उसके बाद उन्होंने इसमें मसाले डाले थे। और ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं थी, लेकिन बहुत जायकेदार मछली थी। हालांकि इन्होंने जितने भी स्पाइसेस डाले बहुत हल्के स्पाइसेस डाले थे, लेकिन जायके में बहुत अच्छी थी। ये है इनके ग्रिल पैन्स, इस तरह से ये इसके बीच में इसको लगा देते हैं, और फिर इसके बाद इसको ये कोयले पे सेक लेंगे। तो यहाँ पे फ़िश जो है ग्रिल हो रही है, और ये है फरीदुल्ला फ़िश पॉइंट। इनका नंबर भी मेंशन है, आप इनको कॉल करके भी पूछ सकते हैं कोई भी रेट वगैरह, कुछ भी आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए। और ये देखिए इस तरह से ये थोड़ी थोड़ी देर बाद ना छुरी से इस तरह से कट्स लगा रहे थे, शायद इसलिए कि ताकि मछली जो है अंदर से अच्छे से गल जाए। और ये इसके सामने का नज़ारा था, खूबसूरत जगह थी, और मतलब बहुत ही अच्छे पॉइंट पे ये बना हुआ है, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर। और ये इस तरफ से इसका इस तरह से सामने पहाड़ थे, और इस तरफ मछली बन रही थी, और यहाँ पे जो फिशेज हैं हमारी वो ग्रिल हो रही थी। ये है इनका फ्राइड फ़िश का सेटअप,
और इसको भी इन्होंने इसी तरह से हमारे सामने मसाला लगाया, पहले नमक लगाया और फिर इस तरह से लीमू या सिरके का पानी है ये मुझे कंफर्म नहीं है, और बस इसको लगा के इसी तरह से इन्होंने मसाले डाले। इसको भी बहुत लाइट मसालों के साथ इन्होंने बनाया था, लेकिन बहुत जायकेदार मछली थी। और इनकी सबसे ख़ास बात यह है कि ये जो फ्राई करते हैं मछली वो भी ये आग पे करते हैं, यानी कि लकड़ी से आग लगा के उस पे बनाते हैं, मतलब सिलेंडर नहीं था, कोई गैस पे नहीं बनाते, इस तरह से लकड़ियों पे इन्होंने चूल्हे जलाए हैं। और लकड़ी पे पकने की वजह से मुझे लगता है कि इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। ये हमारी फ्राइड फिश जो है रेडी थी बिल्कुल, और दूसरी तरफ ग्रिल फिश भी ऑलमोस्ट रेडी थी। अच्छा, थोड़ी देर जब ये पकने वाली हो जाती है मछली, तो इस तरह से इसकी ग्रिल खोल के बीच में ये ताज़े टमाटर और हरी मिर्चें लगाते हैं, और इनका जो टेस्ट था बहुत ही लाजवाब, मतलब बहुत ही मज़ेदार लग रहा था। बहुत स्पाइसी सी ये हरी मिर्चें थी, लेकिन मछली की वजह से इनका भी टेस्ट बहुत चेंज हो गया था। यहाँ पे हमारा खाना आ चुका था, पहले फ्राइड फिश जल्दी बन गई थी इसलिए उन्होंने वो पहले सर्व कर दी, और ये इन्होंने रोटी के साथ सर्व किया। और इस तरह ये दो तरह की चटनी देते हैं साथ, एक टमाटर की चटनी थी और ये इस तरह से पानी में नींबू मिला हुआ था और शायद कुटी हुई लाल मिर्च थी, बस बिल्कुल हल्के से मसाले के साथ थी, लेकिन बहुत मज़ेदार लग रही थी। और ये इनका इनडोर सेटअप था और ये इसकी बैक साइड से भी इस तरह से व्यू था। हम ओपन एरिया में नहीं बैठे क्योंकि वहाँ पे बारिश का डर था कि बारिश ना हो जाए, तो इसलिए हम ये इनसाइड बैठे हैं। वैसे इनके पास ओपन एरिया भी है, आप वहाँ भी बैठ सकते हैं। और बस इसके बाद मैंने रोटी से ट्राई की मछली, लेकिन वैसे ये खाली ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मैं पर्सनली मछली की इतनी ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, लेकिन ये मछली ऐसी थी कि मैंने भी बहुत शौक से खाई, तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छी अंदर तक पकी हुई थी, और बस मैंने इसको इस सिरके वाले पानी के साथ भी ट्राई किया, लीमू वाले पानी सॉरी, तो बहुत मज़े का था। और ये हमारी ग्रिल फिश भी आ गई थी, ये भी अंदर तक पूरी कुक हुई हुई थी। मैं ये सोच रही थी कि इन्होंने इस तरह से मतलब अभी मसाला लगाया ताज़ा और ताज़ा फ्राई कर दिया, तो अंदर तक मसाला कैसे किया होगा, क्योंकि घर पर हम जब भी मछली या चिकन कोई भी चीज़ ऐसी बनाते हैं हम उसको अच्छे से मैरिनेट करते हैं कि अंदर तक मसाला एब्जॉर्ब हो जाए, लेकिन इसका मसाला बहुत मज़ेदार था, ये अंदर तक मसाला गया हुआ था। और ये दोनों चटनियों के साथ आप इसको खाएँ, इंजॉय करें, मौसम इंजॉय करें साथ, और बहुत बहुत मज़े का हमारा एक्सपीरियंस रहा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जाइएगा मेरी रिकमेंडेशन पे, इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और बस फिर उसके बाद हमारा वापसी का सफ़र शुरू हुआ इस्लामाबाद का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी होगी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपके साथ और भी इस तरह के फूड रिव्यूज़ और ट्रैवलिंग सीरीज़ ज़रूर शेयर करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।